हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखते हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के व्यू से। और आप एक्सटर्नल इंटरनल एग्जाम में देखोगे तो ये आने वाला है क्वेश्चन, और एक्सटर्नल एग्जाम में तो आपको मिलेगा ही। ओके, तो आपका टॉपिक है पार्टिकल इन अ थ्री डायमेंशनल बॉक्स। हम थ्री डी बॉक्स में पार्टिकल्स देखते हैं। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इतना डीपली नहीं समझाऊंगी इसको, आपको देख कर ही समझ जाएगा, क्योंकि वीडियो काफी लेंथ हो जाएगी और फिर अपलोड होने में प्रॉब्लम होती है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसीडर ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m मूविंग इन अ थ्री डायमेंशनल रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बॉक्स हैविंग साइड ए बी सी एंड सी इन लेंथ अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। आपको एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, उसका मास m है। ओके, वो क्या एक बॉक्स में है, थ्री दो आपका बॉक्स ये थ्री डी है। ओके, ए बी सी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल जीरो, इसकी क्या होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जीरो होगी, वी इक्वल टू जीरो होगा, बट इज इनफिनिटी एवरीवेयर आउटसाइड द बॉक्स। लेकिन अगर बाहर इस बॉक्स के बाहर देखिए तो आपकी वी इक्वल टू क्या होगी, इनफिनिट होगी, अंदर क्या होगा, जीरो होगा। ओके, द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर द पार्टिकल इनसाइड द बॉक्स विल बी गिवन बाय, आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखनी है। ओके, इक्वेशन फर्स्ट आप मान लोगे एंड डिवाइड बाय साइज, आप साइज को डिवाइड कर दोगे तो आपको इक्वेशन टू पैसे जाएगी, एनर्जी क्या आपकी जीरो है। वेवलेंथ साई डिपेंड अपॉन दिस कोऑर्डिनेशन एक्स वाई जेड, आप साई को एक्स वाई जेड एक्सिस में ले लोगे, एनर्जी को भी आपकी थ्री एंड फोर इक्वेशन हो जाएगी, कंबाइन इक्वेशन टू थ्री फोर, आप इक्वेशन टू थ्री फोर को कंबाइन कर दोगे तो आपको कुछ इस तरह की इक्वेशन देखने को मिलेगी कि आपने जो साई था वो एक्स वाई जेड में रख दिया है और ई को भी एक्स एक्सिस वाई और जेड में रख दिया है। ओके, फिर आप क्या करोगे, फिर आप साई एक्स वाला ले लोगे एंड साई वाई वाला एंड साई जेड वाला, इस तरह आपको इक्वेशन इस तरह दिख जाएगी। फिर नेक्स्ट इक्वेशन में आप क्या करोगे, आप 1 बाई साई एक्स साई स्क्वायर और डेल स्क्वायर वाई एक्स बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 बाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर, इसको पूरे पोर्शन को अलग अलग लिख लोगे एनर्जी के लेवल में। ओके, ऐसे ही आप वाई वाला कर लोगे, ऐसे आप जेड वाला कर लोगे, ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन 6। ओके, फिर आप क्या करोगे, इक्वेशन 6 कंसिस्ट ऑफ थ्री इंडिपेंडेंट टर्म, ईच टर्म इज द फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल ओनली। ओके, तो आप इसकी देख लोगे, जैसे आप एक्स एक्सिस है वाई और ये वाला आप जेड एक्सिस है। ओके, ये आप इसकी सबकी वैल्यू रख दोगे कि क्या होती है, इक्वेशन 7 8 9 मान लोगे आप। फिर उसके बाद क्या करोगे, द अबव इक्वेशन 7 8 9 आर द सिमिलर टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर द पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशनल बॉक्स ओनली। आप यहां पे ई एक्स ई वाई ई जेड सब की आप वैल्यू रख लोगे एन एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 8 एम ई स्क्वायर, ऐसे आप वाई एंड जेड के कर लोगे। फिर आप क्या करोगे, आपको पता है साई एक्स इक्वल टू होता है हमारा 2 अंडर रूट 2 बाय ए। ओके, ऐसे भी ऐसे सी का होता है, तो आप तीनों के फंक्शंस लिख लोगे वेव फंक्शन एक्स वाई जेड एक्सिस में। द नंबर एन एक्स एन वाई एन जेड आर द क्वांटम नंबर्स अलोंग एक्स वाई जेड डायरेक्शन। ओके, फिर आप यहां से टोटल एनर्जी निकाल लोगे ई की टर्म में, ई एक्स ई वाई ई जेड एंड सारी वैल्यू पुट कर दोगे। यहां एन एक्स एन वाई एन जेड कैन अज्यूम ओनली इंटीजर वैल्यू। ओके, इट इज क्लियर दैट द पार्टिकल मे हैव ओनली सर्टेन डिस्क्रीट वैल्यू फॉर ई एंड दैट इज द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज क्वांटाइज्ड। द टोटल वेव फंक्शन साई इज गिवन बाय, आपको अपने जो वेव फंक्शन को लिया तो साई एक्स साई वाई एंड साई जेड, तो आप रिटर्न यहां पे कर दोगे। अब आपको पता है वॉल्यूम किसका होता है, एबीसी का, तो आप सारी एबीसी में रख दोगे एंड इक्वेशन जो टैन आपकी गिव द वैल्यू ऑफ नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। ओके, तो आपकी इस तरह से थ्री डी कम्प्लीट हो जाता है। आपको क्या करना है, वीडियो को पहले पॉज करना है, इस इक्वेशन को पूरा स्टार्टिंग से लिखना है, अब स्टेप बाय स्टेप लिखोगे ना आपको खुद समझ आ जाएगा कितना इजी है। ओके, इसके बाद आपको लिखना पड़ता है कंसेप्ट ऑफ डीजेनरेसी अप्लाई टू अ पार्टिकल ऑफ थ्री डायमेंशनल बॉक्स। फर्स्ट केस में क्या आता है, व्हेन द साइड ऑफ थ्री डी बॉक्स आर इक्वल, अगर आपकी थ्री डी बॉक्स की साइड क्या इक्वल है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ओके, द इक्वेशन फॉर एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन सच अ बॉक्स इज, आपकी एनर्जी आप ये लिखोगे, द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यू क्वांटम नंबर एन एक्स एन वाई एन जेड में गिव द सेम वैल्यू एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन सिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यू 1 2 3 गिव द सेम वैल्यू। ओके, सच एन एनर्जी लेवल हैविंग डिफरेंट सेट ऑफ क्वांटम नंबर बट हैविंग सेम एनर्जी इज सेड टू बी अ डीजेनरेट एंड द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन एसोसिएटेड विद द गिवन एनर्जी इज कॉल्ड डीजेनरेसी। ओके, द डिजेनरेसी ऑफ अ फ्यू एनर्जी लेवल विद द डिफरेंट क्वांटम नंबर।
अगर आपका एन एक्स एन वाई एन जेड तीनों इक्वल आ जाते हैं तो डी जे रेसिप्रोसिटी क्या होती है वन। अगर आपका एन एक्स एन वाई नॉट इक्वल आता है एंड एन वाई एन जेड आता है तो आपकी डी जे रेसिप्रोसिटी होती है एंड एन एक्स एन वाई इक्वल आता है एन जेड इक्वल नॉट इक्वल तो भी आपकी डी जे रेसिप्रोसिटी होती है। बट आपका एन एक्स इज इक्वल नॉट इक्वल एन वाई नॉट इक्वल एन जेड तो डी जे रेसिप्रोसिटी आपकी सिक्स होती है। ओके फिर आपको ये एग्जाम्पल दे देना है। यहाँ पे आपकी एनर्जी का फॉर्मूला होता है जिससे आप न्यूमेरिकल आसानी से निकाल लोगे। ये क्वेश्चन आपको तब समझ आएगी जब आप इसको अपनी कॉपी पे नोट करोगे एंड स्टेप बाय स्टेप देखोगे। तो ये दोनों क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ, वीडियो को आपको स्टार्टिंग से पॉज करना है वरना आपको समझ नहीं आएगी। ओके पॉज करना है, कॉपी में नोट करना है, नोट करने के बाद स्टेप बाय स्टेप आप देखोगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप वीडियो में देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी कि इस क्वेश्चन के बाद हो क्या रहा है। आपको कॉपी पर नोट करने हैं, उसके बाद ही आपको समझ आएगी। तो चलिए वीडियो को पॉज करें और अपने नोट्स को प्रिपेयर करें। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लाइक भी जरूर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हो सके तो मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ओके okay?